है गाइस, दिस इज़ अरविंद। आप देख सकते हो मेरे पास में एक रेडमी का 7 वेरिएंट आया हुआ है। इसमें बिल्कुल भी टच वर्क नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टच चलाने का, लेकिन टच इसका वर्क नहीं कर रहा है। क्लाइंट का कहना है कि ये फ़ोन वाटर डैमेज है, फ़ोन पानी में गिरा और कुछ दिन बाद इसका जो है टच वर्क नहीं कर रहा है। तो फ़ोन में देख सकते हो ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है, जम्पर लगे हुए हैं, इसके ग्राफिक सेक्शन में जम्पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस फ़ोन में मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें ये एक ही प्रॉब्लम आता है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो कि एक यहाँ पर ये रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है, तो ये निकल गया है। और इसको हम जो है अभी हमारे पास में रजिस्टर तो अवेलेबल नहीं है, पर हम यहाँ पर जो है शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा जम्पर भी लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आयरन से वहाँ पर कतीर से भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से रजिस्टर निकल चुका है, तो जो डिस्प्ले कनेक्टर पर टच के लिए जो आउटपुट सप्लाई जाती है वो ब्रेक हो चुकी है पूरी तरह से, तो उसको हमको शॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं आयरन की मदद से इसको अच्छे से शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारे फ़ोन का टच वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको बढ़िया तरीके से शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए एक बार फ़ोन को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि टच हमारा वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। गाइस, फ़ोन ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे फ़ोन के ऑन होने का। फ़ोन को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। गाइस, फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। फ़ोन में और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो फ़ोन को आई थिंक रिपेयर किया हुआ है। फ़ोन में जम्पर लगे हुए हैं पीछे, आपने देखे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास में तो ये टच रिपेयर होने आया है, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, हमारा टच अभी पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इस मॉडल का टच का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस।